हे गाइस, मैं प्रीति राजपूत। कैलिफोर्निया में इस साल जब ऑस्कर सेरेमनी में बेस्ट डॉक्यूमेंट्री अनाउंस की गई, तो तालियों की गड़गड़ाहट ने पीरियड टाबू को लेकर लोगों की उस सोच को तोड़ डाला, जिसने न जाने कितनी महिलाओं को घुट घुट कर जीने पर मजबूर किया। ऑस्कर 2019 में भारत के यूपी में बनी एक ऐसी डॉक्यूमेंट्री फिल्म ने अवार्ड जीता, जिसका नाम था पीरियड एंड ऑफ सेंटेंस। फिल्म के नाम से आप समझ ही गए होंगे कि फिल्म का टॉपिक क्या है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि भारत में पीरियड ऐसी समस्या है जिस पर डॉक्यूमेंट्री बनानी पड़ी। इससे पहले पीरियड पर अक्षय कुमार की फिल्म पैडमैन भी आ चुकी है, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये फिल्में लोगों की सोच बदलने में कामयाब हो पाई हैं? काफी हद तक हाँ, क्योंकि दबी आवाज में ही सही लोग इस पर बात करने लगे हैं। लेकिन आज भी हमारे समाज में कई ऐसी जगहें हैं जहां पीरियड्स के दिनों में महिलाओं को अलग रहना पड़ता है। महिलाएं आज भी कपड़ा और कई जगहों पर गोबर का इस्तेमाल करती हैं, जिन्हें पैड्स के बारे में जानकारी नहीं है। हालांकि इसके लिए सरकार गांव में जगह जगह कैंप लगाकर लोगों को इसके लिए जागरूक कर रही है। कई जगहों पर आज भी महिलाओं को लेकर लोगों की पारंपरिक सोच बनी हुई है, जैसे कि लड़की की पहचान उसके पति से ही होती है, पति के बिना लड़की का जीवन कुछ भी नहीं, एक महिला लीडर नहीं हो सकती। लेकिन ऐसी ही रूढ़िवादी सोचों को फिल्मों और टीवी शोज के जरिए चुनौती दी गई। जिनमें से एक सीरियल निमकी मुखिया है। ये सीरियल एक ऐसी लड़की की कहानी है जिसके गांव में जाति भेदभाव, महिलाओं को मर्दों से कम समझना कोई समस्या नहीं बल्कि एक परंपरा है, जिसे वहां के लोग भी अपना चुके हैं। यहां की महिलाओं को उनके पति के नाम से जाना जाता है, जिस वजह से कई महिलाएं अपना असली नाम तक भूल चुकी हैं। ऐसे गाँव की लड़की गाँव की मुखिया बनती है और महिलाओं के अस्तित्व के लिए लड़ती है। आपको बता दें, पंचायती चुनाव में 50% सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व है। सिंगल मदर होना मुश्किल होता है, एक बच्चे को अकेले संभालना तो मुश्किल होता ही है, साथ ही समाज के बीच अपने अस्तित्व के लिए लड़ना उससे भी ज्यादा मुश्किल होता है। इन दिनों सोनी टीवी पर भी एक ऐसा ही सीरियल टेलीकास्ट हो रहा है, पटियाला बेब्स। पटियाला बेब्स एक माँ बेटी की कहानी है जिनके पिता ने उन्हें छोड़ दिया है। इस शो की खास बात यह है कि यहाँ एक माँ तो अपने बेटी के लिए बहुत कुछ कर ही रही है, लेकिन एक बेटी भी अपनी माँ को उसकी पहचान बनाने में मदद कर रही है। ये इस सीरियल का सबसे इंटरेस्टिंग सेगमेंट है। सिंगल मदर पर कुछ साल पहले फिल्म नील बटे सन्नाटा और पा भी आ चुकी है। रेड लाइट पर अब तक बॉलीवुड में और टीवी पर कई टीवी शोज और फिल्में बन चुकी हैं, लेकिन फिर भी समाज से कट चुकी महिलाओं का दिल भी सामान्य औरत का दिल होता है, ये बात आज भी लोग नहीं अपना पाए हैं, जिसे अब सीरियल मुस्कान के जरिए लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। सीरियल मुस्कान एक ऐसी लड़की की कहानी है जिसकी माँ एक प्रोस्टिट्यूट थी, लेकिन मुस्कान इस गंदगी से बाहर निकलकर अपने सपनों को पूरा करना चाहती है, लेकिन कुछ लोगों की पिछड़ी सोच उसे उस गंदगी से बाहर निकलने नहीं दे रही है। ये सीरियल आपको पसंद हो ना हो, लेकिन इसे देखकर आपको इतना जरूर समझ आ जाएगा कि वो महिलाएं भी हमारे समाज का हिस्सा हैं और उन्हें आप समाज से अलग नहीं कर सकते हैं। उन्हें भी उसी तरह जीने का अधिकार है जैसे हमें या आपको। प्रोस्टिट्यूशन पर बॉलीवुड में हाल ही में फिल्म स्त्री भी आई थी, जो एक हॉरर कॉमेडी फिल्म थी, लेकिन इस फिल्म के जरिए बताने की कोशिश की गई थी कि उन महिलाओं की भी वही इच्छाएं होती हैं जो किसी आम महिला की होती है। भारत सरकार और कुछ प्राइवेट एनजीओ भी देश में ट्रैफिकिंग और प्रोस्टिट्यूशन के खिलाफ काम कर रहे हैं। हर साल 8 मार्च को हम लोग वुमेन्स डे मनाते हैं। इस दिन हम महिलाओं के प्रति रिस्पेक्ट करने की बात कहते हैं, लेकिन महिलाओं के प्रति रिस्पेक्ट सिर्फ एक दिन क्यों? साल के 365 दिन क्यों नहीं हम महिलाओं की रिस्पेक्ट करते हैं? सोचिएगा जरूर। और आपको हमारा वीडियो कैसा लगा ये भी जरूर बताइएगा। अगर आपने हमारे चैनल HS News को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। HS News, जहां खबरों का सिलसिला रुकता नहीं। लेटेस्ट न्यूज और अपडेट्स के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।